बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बड़ा नाव हादसा हुआ है। यहां बच्चों से भरी नाव नदी में पलट गई। शुरुआती सूचना में बताया गया है कि हादसे में 16 बच्चे लापता हैं। हालांकि मौके पर स्थानीय गोताखोर और गांव के युवक पहुंचकर नदी में बच्चों की तलाश कर रहे हैं। नाव पलटने की सूचना मिलते ही इलाके के लोगों के साथ शासन और प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि गायघाट के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के मधुपट्टी घाट पर नाव पलटने का हादसा हुआ है। नाव पर करीब 33 बच्चे सवार थे। संतुलन बिगड़ने के चलते नाव नदी में पलट गई। बताया जा रहा है कि 17 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, बाकी तलाश जारी है। 16 बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। जिले के एक आला अफसर ने बताया कि गायघाट और बेनीबाद पुलिस के साथ SDRF की टीम मौके पर कार्रवाई में जुट गई है। बागमती नदी में यह हादसा हुआ है, वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार होकर बच्चे स्कूल जा रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज था, जिसके चलते नाव का संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हुआ है। नाव पलटते ही नदी में चीख पुकार मच गई। नाव पलटने की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। जिन घरों से स्कूल जाने के लिए बच्चे निकले थे, उनके परिजन भागते हुए नदी के पास पहुंचे। बच्चों को नदी से निकालने के लिए गांव के कई युवकों ने छलांग लगाई। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को मुजफ्फरपुर में ही रहेंगे। CM यहां कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। वहीं गांव वालों ने बताया कि नाव पलटने की सूचना देने के बाद भी स्थानीय थाने की पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सूचना देने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में काफी देर हो गई। इस बीच गांव के ही लोगों ने खुद के प्रयास से बच्चों को निकालने का प्रयास करते रहे। गांव वालों में पुलिस के प्रति भारी नाराजगी भी देखी गई। उनका कहना है कि अगर समय पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंचती तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समय रहते पानी से निकाला जा सकता था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।